हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शागोतास किचन। आज मैं बना रही हूँ क्रिस्पी डोसा। ले रही हूँ रेगुलर खाने वाले चावल 3 कप पक्के चावल। उसी कप का 1 कप उड़द दाल, 2 टेबलस्पून चना दाल, 1/2 टेबलस्पून मेथी दाना। अब इन सबको धो लेंगे। सभी को धो लिया है, अब इसमें पानी डाल देंगे और इनको 7 से 8 घंटे के लिए भिगो कर रखेंगे। उसके बाद ये इस तरह से फूल जाएंगे। इसको और एक बार धोकर मैंने मिक्सिंग जार में ले लिए है। 1 कप दे रही हूँ पानी, 1 टीस्पून शक्कर, और अगर पानी और लगे तो हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इनका एक बैटर बना लेंगे, मतलब पीस लेंगे। बैटर बना लिया है, इसकी कंसिस्टेंसी ये है। इसमें मैंने और भी 2 कप पानी का इस्तेमाल किए हैं। बैटर को 5 मिनट के लिए फेंट लेंगे। 1 कप पानी इसकी कंसिस्टेंसी को पतली बनाने के लिए मिक्स करेंगे और इसको रख देंगे 7 से 8 घंटे फर्मेंटेशन के लिए। तब तक हम आलू की करी बना लेते हैं। 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर तेल गरम कर लिया है, 1/2 टेबल स्पून नमक या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/2 टेबल स्पून राई के दाने, 4 सूखी मिर्चें, 6 से 7 करी पत्ते मिक्स करेंगे जिससे इनका फ्लेवर तेल में आ जाए। 1 से 2 सेकंड के लिए फ्राई भी कर लेंगे। 4 से 5 मीडियम साइज़ के आलू छोटे टुकड़े कर लिए हैं और ये कच्चे आलू है, मिक्स करेंगे। हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए हल्की ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। आलू फ्राई हो चुकी है और कढ़ाई से इस तरह से चिपक भी रही है। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इसी कप का दे रही हूँ 1.5 कप पानी। ये करी हम थोड़ा सा ड्राई बनाएंगे, इसलिए कम पानी का ही इस्तेमाल करेंगे और आलू के छोटे टुकड़े करेंगे, मिक्स करेंगे और इनको हाई फ्लेम पर ढककर पकाएंगे 5 मिनट। आलू की सब्जी तैयार है और ये इस तरह से ड्राई है। इनमें कुछ आलू मैश हुए हैं और कुछ टुकड़े हैं। इसको आप साइड में रख के ठंडा कर लेंगे। डोसा की बैटर इस तरह से फूल चुकी है, छोटे छोटे बबल्स भी आए हैं। एक बार मिक्स करेंगे, ये बहुत ही फ्लफी बनी है। 1/2 टेबल स्पून नमक या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग मिक्स करेंगे। 1/2 कप पानी, 1/2 कप ले रही हूँ पोहा, पोहा का डस्ट, मतलब पोहा को मैंने मिक्सी में पीस लिया है। इससे डोसा बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। मिक्स करेंगे और इससे अब डोसा बनाएंगे। तवा को गरम करके थोड़ा सा ही तेल ब्रश करेंगे, पानी छिटक देंगे और इस पानी को हम साफ कर लेंगे। बैटर को एक बार मिक्स करेंगे और कंची से उठाकर बीच में देंगे तवा के, और बहुत ही हल्के हाथों से हम इसको सर्कुलर मोशन में घुमाएंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से करेंगे वरना बैटर कंची के साथ ही उठकर चले जाएंगे। अब इनको मीडियम फ्लेम पर ऊपर का हिस्सा पूरी तरह से ड्राई हो जाने तक फ्राई करेंगे। ऊपर का हिस्सा ड्राई होने के बाद थोड़ा सा ही तेल चिटक रही हूँ और किनारों की तरफ तेल ब्रश करेंगे जिससे ये इजीली उड़ जाएगी। अब इसको बीच से पूरी तरह से ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर, और ये ब्राउन हो रहे हैं। हल्के हाथों से ही हम इसको उठाएंगे। डोसा बहुत ही पतली और बहुत ही क्रिस्पी बनी है। इसको फोल्ड करेंगे। आप चाहे तो इसको इसी तरह से ही सर्व कर सकते हैं या फिर इसको खोलकर
इसमें आलू की स्टफिंग देकर फोल्ड करेंगे, को सर्व करेंगे। डोसा तैयार है। आप शायद देखकर ही समझ सकते हैं कितनी क्रिस्पी है। आप इनको घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट कीजिए कि कैसी बनी है। चाहे तो शाम को नाश्ते में या फिर सुबह नाश्ते में बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें। मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।